मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को गुजरात की अदालत ने कल ही 2 साल की सजा सुनाई थी और आज लोकसभा कार्यालय ने उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी है। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाने के साथ ही उन्हें बड़ी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया था, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने जमानत की इस समय सीमा को दरकिनार करते हुए तत्काल प्रभाव से राहुल की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया। सचिवालय की ऐसी कार्रवाई के लिए तो तमाम विपक्षी नेता राहुल गांधी के समर्थन में मोदी सरकार की डटकर आलोचना कर रहे हैं। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने तीखे शब्दों में कहा, मैंने तो कल ही बोला था विपक्षी पार्टियों को खत्म करना मोदी का मकसद है। मोदी जी राहुल गांधी के सदस्यता खत्म करने में इतनी तेजी और जेपीसी बनाने में बिल्कुल खामोशी। बिहार के लोकप्रिय नेता पप्पू यादव ने मोदी और अडानी की तस्वीर लिए राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए कहा, ये वही तस्वीर है जिसको संसद में दिखाने के बाद भाजपा नेतृत्व ने राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता रद्द करने का निश्चय कर लिया था। पता था कि अब राहुल गांधी जी को बोलने का मौका मिला तो यह बंदा सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देगा, तब बीजेपी को चाल चरित्र चेहरा क्या होगा। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, चिथड़े हुए लोकतंत्र का बचा खुचा चिथड़ा गुदड़ा भी उतार फेंका। अब दुनिया के समक्ष पूर्णता निचट नंगे निर्वस्त्र हो गए, मतलब केवल चारण रहेंगे इस कदाचित लोकतंत्र में। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा, निर्लज्जता और तानाशाही का घालमेल अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय। सचिन पायलट ने लिखा है, भारतीय लोकतंत्र के लिए आज शर्मनाक दिन है। राहुल की सदस्यता समाप्त करके भाजपा ये ना समझे कि जनता की आवाज़ उठाने से उनको रोक देगी। हम जनता के लिए सच के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे।